फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रमेश कुमार सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कला सुल्तानपुर। आज हम सभी कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का यूनिट नंबर सेकेंड, जिसका पहला लेसन है मार्कोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अर्थात पुष्पी पौधों की आकार। ये आपकी किताब में चैप्टर नंबर या लेसन नंबर 5 है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहां पर देखिए मार्कोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, मार्कोलॉजी किसे कहेंगे और फ्लावरिंग प्लांट होते कौन। तो यहां पर मार्कोलॉजी शब्द जो है आकारिकी, ये जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम किसी जीवधारी के बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज मार्कोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अर्थात बाह्य संरचना का अध्ययन करना ही क्या है, आकारिकी कहलाता है। तो जब भी मार्कोलॉजी शब्द आता है तो उसका अर्थ यही होता है स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज मार्कोलॉजी। तो किसी भी जीवधारी की संरचना का, अगर बाह्य संरचना का हम अध्ययन कर रहे हैं तो वही क्या कहलाएगा, आकारिकी कहलाएगा। अब क्योंकि हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट, तो बात ये आती है कि फ्लावरिंग प्लांट कौन है। फ्लावर आदि शब्द है प्लांट, तो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प बनता है, जिनमें फूल खिलता है, उन पौधों को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं या पुष्पी पादप कहते हैं। तो प्लांट वृक्ष फ्लावर आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ध्यान देना, हम लोगों ने जो पहला यूनिट पढ़ा है जीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स, उसमें जो दूसरा लेसन है जीव धारकों का वर्गीकरण, उस जीव धारकों के वर्गीकरण में आर्यच भेटकर के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण आपको बताया गया। जो आर्यच भेटकर के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में उन्होंने पूरे सजीव जगत को 5 जगत में डिवाइड किया है, 5 किंगडम बनाया है, जिसमें से यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं धारी जीवों के लिए मोनेरा का निर्माण किया, मोनेरा जगत। एक कोष की परंतु यूकैरियोटिक कोशिका अगर है तो उसके लिए उन्होंने प्रोटिस्टा जगत बनाया, उनको प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं। अगर जितने भी फंगाई हैं उन फंगाइयों को एक निश्चित जगत में रखा गया जिसे हम फंगाई या कवक जगत कहते हैं, जबकि इसके बाद चौथा जगत जो है वो
पादप जगत है, प्लांटी है। प्लांटी जगत में ध्यान रखना सभी मल्टीसेलुलर अर्थात बहुकोशिकी यूकैरियोटिक कोशिकाधारी जीव जिनके कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है स्वकोशी होते हैं और सेल के चारों तरफ सिलवान पाई जाती है उन्हें रखा जाता है। अब इस प्रकार से पादप जगत में कई ग्रुप बनते हैं, उसमें एल्गी भी आ जाती है, ब्रायोफाइट्स भी आ जाते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म पौधे आते हैं और लास्ट और सबसे ज्यादा डेवलप पौधे जो होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं, आवृतबीजी पादप। तो उस पादप जगत में केवल एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट हैं वो ही पुष्प बनाते हैं, उन्हीं में पुष्प बनता है। तो इस कारण से हम लोग इस मातृराज्या फ्लावरिंग प्लांट नामक लेसन में आवृत बीजी पौधों के मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उनके आउटर स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे आम, नीम, गुड़हल, सरसों, ये सब पौधे जनरली जो हम अपने आसपास देखते हैं जिन पौधों में पुष्प खिलता है वही पौधे क्या है, आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधों का एक और भी चीज आपको बताया गया होगा कि आवृत बीजी पौधों में जो बीज होता है वो फल के अंदर रहता है, अर्थात फल वृत्त से घिरा रहता है, जिसके कारण वो बाहर से नेकेड आई की सहायता से नहीं दिखाई देता। इसी कारण से इन पौधों का नाम आवृत बीजी पड़ा है। बीज के चारों तरफ एक आवरण होना चाहिए, अर्थात बीज फल के अंदर होना चाहिए। तो फल के अंदर अगर बीज होगा तभी वो आवृत बीजी पौधा होगा और फल बनते हैं केवल उसकी पौधों में, अर्थात आवृत बीजी पौधों में। तो हम इस पूरे लेसन के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, पुष्पी पौधों अर्थात आवृत बीजी पौधों की आकार की का अध्ययन करेंगे। अब हमारे स्टडी का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होगा, थोड़ा सा हमें जूम करके दिखाएं तो किसी जो पौधे होते हैं, प्लांट्स हैं, आवृत बीजी पौधे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेवलप है, सबसे ज्यादा विकसित है, तो इन पौधों में अगर हम देखें तो दो सिस्टम होता है। दो सिस्टम कौन कौन सा है, एक अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट होता है जो जमीन के अंदर होता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, अर्थात जड़ तंत्र होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है, और एवं अंडरग्राउंड जो पौधे का भाग होता है उसे हम सूट सिस्टम कहते हैं। तो हमें इस पौधे में क्या क्या मिलता है, तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें जड़ होती है, तो हम जड़ की आकार की पढ़ेंगे, रूट की। इसके बाद जो एवं पार्ट है पौधे का ग्राउंड के ऊपर है उसमें तना होता है, तो हम लोग तना अर्थात स्टेम के तिमा को लगते हैं। पत्तियां होती हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करती हैं, भोजन बनाने का कार्य करती हैं, तो पत्तियों की मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। पौधे में पुष्प भी खिलता है तो हम पुष्प की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। पुष्प
से उसमें जो ओवरी होती है उसी से आगे चलकर के फल का विकास होता है, तो हम लोग फल का भी अध्ययन करेंगे। फ्रूट का, फल के अंदर बीज होता है तो हम लोग बीज का भी अध्ययन करेंगे। मार्फोलॉजी के अध्ययन यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। इसके बाद जो फ्लोरल एक्सिस होती है, जो पुष्प अक्ष होता है, उस पर पुष्प के लगने का जो क्रम होता है, वो पुष्प कैसे उस पर व्यवस्थित है, जिसे हम लोग पुष्प क्रम कहते हैं, तो पुष्प क्रम का अध्ययन भी हम लोग इसी लेसन के अंतर्गत करेंगे। साथ ही साथ कुछ फैमिली जैसे लिलियेसी है, फेमेसी है, इन फैमिली के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में, इस लेसन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना हमारा स्टडी पॉइंट क्या होगा, पहले जड़, फिर तना, फिर पत्ती, इसके बाद पुष्पक्रम, फल, बीज और फूल, इन्हीं के बारे में हम लोग क्रम से इस लेसन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जड़ अर्थात रूप, ये मार्फोलॉजी और प्लांट का पहला टॉपिक है। जड़ हमने आपको बताया था अभी कि पौधों में दो तंत्र होते हैं, दो सिस्टम होता है। पौधों का वह भाग जो मृदा के अंदर होता है, बिलो द सॉयल होता है या बिलो द ग्राउंड होता है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं। जैसा कि इस पौधे में अगर ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के ठीक नीचे वाला जो भाग है ये क्या है, रूट सिस्टम है। और इस ग्राउंड के ऊपर का जो भाग है ये सूट सिस्टम है। तो हम लोगों का पहला टॉपिक जड़ है। तो जड़ क्या है, ये पौधे का भूमिगत भाग होता है। पौधे का भूमिगत भाग जो भ्रूण के मूलांग अर्थात रेडिकल से विकसित होता है, जल व खनिज लवण का अवशोषण करके पौधे को प्रदान करता है। वह पौधे को भूमि में जकड़ करके रखता है या पौधे को जमीन में स्थिर रखने का कार्य करता है, वही जड़ कहलाता है। ये जो जड़ होती है इसका विकास इंद्रियों के रेडिकल से होता है। जो वास्तविक जड़ है उस वास्तविक जड़ का विकास हमेशा भ्रूण के मूलांगों से ही होगा। जड़ के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे जो जड़ होती है वह नॉन ग्रीन होती है। नॉन ग्रीन का मतलब जड़ों में हरित लवण का अभाव होता है, ये हरी नहीं होती बल्कि कलरलेस होती है। तो कलरलेस में ध्यान देना, कुछ में कलर पाया जाते हैं लेकिन ग्रीन नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का अभाव होगा। दूसरी चीज, जड़ें हमेशा गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसकी दिशा में जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ लगता है। तो जड़ें जब मूलांगों से विकसित होती हैं तो वे सीधी जमीन के अंदर प्रवेश करती हैं। उनके इस गुण को हम लोग जियो पॉजिटिव गुण कहते हैं। जबकि जो जड़ें होती हैं ये
नेगेटिव करेक्टर आप रूट करते हैं। तो जड़ों में जो ऑटो नेगेटिव करेक्टर होगा, जियो पॉजिटिव करेक्टर होगा, नॉन ग्रीन होंगी, ये जल व खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, कुछ में भोजन का स्टोरेज करती हैं, जैसे कि आप कैरेट देखिए, रेडिश है, इन सब में भोजन का संचयन करती हैं। साथ ही साथ ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट निष्पादक, ग्रोथ वृद्धि रेगुलेटर, मतलब नियंत्रक। तो ये पौधों के वृद्धि नियंत्रक पदार्थों का संश्लेषण भी करने का कार्य करते हैं। एक बार फिर से हम जड़ के बारे में आपको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। यहाँ पे जड़ें जो होती हैं, ये इनका विकास भ्रूण के मूलांग से होता है, रेडिकल से होता है, ये नॉन ग्रीन होती है, ये प्रकाश से दूर अर्थात फोटो नेगेटिव गुण शो करती हैं, गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष गति करती हैं तो जियो पॉजिटिव होती हैं, साथ ही साथ ये भोजन का स्टोरेज करती हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का संश्लेषण करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जड़ के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक पौधों में तीन तरह की जड़ें पाई जाती हैं। इनमें पहला है कैरो अर्थात मूसला जड़, दूसरा है फाइब्रस रूट अर्थात तंतुवत जड़, और तीसरा है एडवेंट्रियस रूट अर्थात अपस्थानिक जड़। पैर रूट सिस्टम, ये डाइकॉट जो पौधे होते हैं, जैसे चना, मटर, सरसों, अरहर, आम, नीम, महुआ, इन सब पौधों में जो जड़ पाई जाती है वो टैप रूट होती है। इसके बाद एक बीजपत्री पौधों में, जैसे धान है, गेहूं है, इन सब पौधों में फाइब्रस रूट पाई जाती है। ये दोनों रूट्स जो होती हैं, ये ट्रू रूट्स, ट्रू रूट्स अर्थात वास्तविक जड़ें होती हैं, क्योंकि इनका विकास मूलांकुर से होता है, रेडिकल से होता है, जिसमें जो टैप रूट होती है मूसला जड़, उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप फिगर बना है इसका, तो मूलांकुर से जो जड़ निकलती है उस जड़ को हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। ये ऑल लाइफ प्रेजेंट रहती है, फिर इससे कुछ रूट्स निकलती हैं जिसे हम सेकेंडरी या टर्शियरी रूट्स कहते हैं। ये डाइकॉट प्लांट में इस तरीके की रूट्स मिलती हैं, जबकि जो मोनोकॉट रूट्स होते हैं, मोनोकॉट पौधे होते हैं, उन मोनोकॉट अर्थात एकबीजपत्री पौधों में जो मूलांकुर से बनने वाली प्राथमिक जड़ होती है, प्राइमरी रूट्स, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, और फिर जो तने का एक बेस होता है वहाँ से बहुत सी समान मोटाई की फाइब्रस रूट्स डेवलप करती हैं, जिसे हम लोग तंतुवत रूट कहेंगे या फाइब्रस रूट कहते हैं। यह आपके गेहूँ, जितने भी पत्र पौधे, जैसे गन्ना है, ये भी है, तो इन सब पौधों में इस तरीके की रूट्स मिलती है। जबकि एडवेंट्रियस रूट जो होती है, प्राप रूट, इसका एग्जाम्पल है बनियान ट्री, बरगद के वृक्ष में देखिए, तो उसमें कुछ हैंगिंग रूट्स होती हैं जो कि उसकी शाखाओं से निकलती हैं और जमीन के अंदर प्रवेश करके पौधे को सपोर्ट प्रदान करती हैं। ये जो एडवेंट्रियस रूट होता है, इसका मूलांकुर से विकास नहीं होता, बल्कि पौधे के किसी अन्य भाग से होता है।
तो इस तरह से एडवेंटियस रूट जो होती है वो एक फॉल्स रूट होती है, ट्रू रूट्स नहीं है। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, जैसे सुगर केन में देखिए या आप मक्के के पौधे में देखिए, तो जैसे मक्का का पौधा है तो इसकी जो सबसे नीचे की तने में जो सबसे नीचे अर्थात लोअर साइड में जो नोड्स होते हैं उस नोड से कुछ इस तरीके की रूट्स निकलती हैं और जमीन में प्रवेश करके पौधे को सपोर्ट प्रदान करती है। इस रूट को हम स्टिल्ट रूट कहते हैं, स्टिल्ट रूट। ये भी क्या है, एक प्रकार की एडवेंटियस रूट है। और बनियान ट्री में जो प्राप्त रूट पाए जाते हैं वो भी क्या है, एडवेंटियस रूट है। अब इसके बाद हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, जड़ों के प्रकार, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो जड़ें जो होती हैं वो डिफरेंट कार्य करने के लिए मॉडिफाइड भी हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे भोजन के स्टोरेज के आधार पर अगर देखें तो जो टैग रूट होती हैं जो कि डाइकॉट प्लांट में पाई जाती है, उनमें ये टैग रूट भोजन के स्टोरेज के आधार पर मॉडिफाइड होती हैं। जैसे कि आप कैरेट में देखिए, जो कैरेट होता है उसमें कोनिकल रूट पाई जाती है। जो कैरेट की प्राइमरी रूट होती है वो भोजन को एकत्र करने के कारण से स्वेल कर जाती है। अब इसमें देखिए, इसका ऊपर का भाग चौड़ा और धीरे धीरे जैसे अंदर की तरफ में जाती है वैसे वैसे संकरा होता जाता है। तो ये कैरेट में कोनिकल रूट की पाई जाती है। रेडिश मूली में देखिए तो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ सकरा और बीच में भोजन स्टोरेज करने के कारण से ये रूट स्वेल कर जाती है। तो यहाँ पर ये जो क्यूटिफॉर्म स्ट्रक्चर में है रेडिश, इसी प्रकार से कुंभाकार हो जाती है टर्निप में, सलजम में, वहाँ पे भोजन को एकत्र करने के कारण से जो भूख होती है वो स्वयं कर जाती है और घड़े की आकृति होती है और फिर एकाएक सक्रिय हो जाती है। तो इस प्रकार के रूप टर्निप में अर्थात आपके सलजम में मिलती है। एडवेंटियस रूप का मॉडिफिकेशन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, जो स्वीट पोटैटो होता है वो स्वीट पोटैटो में रूट भोजन के कार्य करने के कारण से स्वेल हो जाती है। ये एडवेंटियस रूट का मॉडिफिकेशन है, ना कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। और ये अक्सर पूछा जाता है कि स्वीट पोटैटो में जो रूट का मॉडिफिकेशन होता है वो किस रूट का मॉडिफिकेशन है, तो आंसर इज एडवेंटियस रूट। अधिकांश बच्चे इसमें गलती करते हैं और कह देते हैं नहीं टैप रूट है, टैप रूट नहीं है बल्कि स्वीट पोटैटो में जो भोजन स्टोरेज करने के कारण से जड़ स्वेल करती है वो एडवेंटियस रूट होती है, न कि टैप रूट होती है। इसी प्रकार से आप देखें तो जो बनियान ट्री होता है, बरगद का वृक्ष, उस बरगद के वृक्ष में कुछ शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और निकल करके भूमि के अंदर प्रवेश करके पौधे को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती हैं, इसे हम प्राप्तरूप कहते हैं। ये जो प्राप्तरूप होती हैं ये भी एडवेंटियस रूप हैं क्योंकि इनका विकास रेंटल से नहीं है, गुलाबों से नहीं होता। अभी हमने आपको बताया था कि जो रूट्स होती हैं वे फोटो नेगेटिव कैरेक्टर शो करती हैं,
प्रकाश से दूर गत करते हैं, लेकिन एक ऐसी भी रूप मैंग्रोव वनस्पतियों में मिलती है। मैंग्रोव वनस्पतियां वे होती हैं जो कि दलदली भूमि में उगती है, और दलदली भूमि में क्या होता है कि जमीन के अंदर वाटर लॉकिंग होने के कारण से ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से रूट की कोशिकाएं ऑक्सीजन के अभाव में मर जाती है, इससे वो पौधा वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ भी क्या होता है, दो तरह की रूप होती है। एक रूप तो सामान्य होगी जो कि पौधे को स्थिर करने का कार्य करती है वहाँ दलदली भूमि में, और मृदा के अंदर चली जाती है जब वो खनिज लवण का अवशोषण करती है। लेकिन वो तभी प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी जब उसे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन वहाँ पे मिले। इसलिए क्या होता है कि कुछ रूट्स एयर में आ जाती है, खूंटे सदृश होती है, और उनमें छिद्र पाया जाता है। ऐसी रूट को हम लोग न्यूमेटिक रूट कहते हैं, श्वसन मूल कहते हैं। ये जो श्वसन मूल होती है इन्हीं छिद्रों से होकर के ऑक्सीजन जो होती है वो मृदा के अंदर जाती है, जिससे जो सामान्य जड़ होती है उसकी कोशिकाएं ऑक्सीजन से लेकर के रिस्पायरेशन करती हैं और स्वस्थ रहती हैं, जब खनिज लवण का अवशोषण करके पौधे को प्रदान करती है। उसी रूप उसी ऑक्सीजन का प्रयोग उस एरिया में पाए जाने वाले जो अन्य सूक्ष्म आदि जीव होते हैं वे भी करते हैं। तो न्यूमेटिक रूप एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है रूप का, जो कि मैंग्रोव प्लांट जैसे कि राजूपोरा आदि में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक रूट के विभिन्न रीजन। इसमें देखें तो ये है रूट का, और यहां पर है रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, ये है रीजन ऑफ इलांगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, और ये यहाँ पे अगर एक प्रॉपर रूट को हम लोग देखें तो, क्योंकि रूट क्या होती है भूमि के अंदर प्रवेश करती है, तो भूमि के अंदर जब प्रवेश करती है तो सॉइल से उसका फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और उस घर्षण से क्या हो सकता है, रूट का जो ग्रोइंग अर्थात मेरिस्मेटिक एरिया है उसकी कोशिकाएं डैमेज हो सकती है। उसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग रूट कैप कहते हैं। इसके बाद जो रूट का शीर्ष होगा उस शीर्ष वाले स्थान की कोशिकाएं हमेशा निरंतर क्या होती हैं, विभाजित होती रहती हैं, और विभाजित होकर के नई प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं। इसको हम रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी कहेंगे। इसके ठीक ऊपर की कोशिकाएं जो होती हैं वे वृद्धि करके इलांगेट करती हैं, जिसे हम रीजन ऑफ इलांगेशन कहेंगे। और फिर उसके ऊपर आएंगे तो रूट के बेस के आसपास आएंगे, तो जब रूट के बेस के आसपास आते हैं तो यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं ये अपनी कार्यों के अनुसार डिफ्रेंशिएट होती हैं। इस भाग को हम लोग रीजन ऑफ मैचुरेशन कहेंगे, और ये रीजन ऑफ मैचुरेशन से ही ईपी, जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है इसकी जो एपिडर्मिस होती है उस एपिडर्मिस की कोशिकाएं इलांगेट होकर के एक थिन स्ट्रक्चर बनाती हैं, हेयर लाइक
थिन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रूप हेयर अर्थात मूलरूम कहते हैं। यही जो मूलरूम होते हैं यही जल खनिज लवण आदि का अवशोषण करते हैं। तो अगर आपसे एक प्रश्न आए और ये पूछा जाए कि जल के किस भाग में सबसे ज्यादा जल का अवशोषण होता है, तो आंसर इज रीजन ऑफ मैचुरेशन होगा, क्योंकि रीजन ऑफ मैचुरेशन वाले एरिया में ही रूट हेयर पाए जाते हैं। उसके नीचे जो एरिया होता है उसका रीजन होता है, क्षेत्र है, चाहे रीजन ऑफ इलांगेशन हो या रीजन ऑफ करिस्मेटिक एक्टिविटी हो या रूट कैप हो, इस भाग में रूट हेयर नहीं होंगे, इस कारण से यहाँ पर जल का अवशोषण नहीं होता है। इसी के साथ आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।